हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल संजू फैंटेसी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेचर इसलिए T10 का मैच जो फ्रेंड्स खेला जाएगा IRR TBH के बीच में। फ्रेंड्स, ये जो मैच है ना, जैकपॉट मैच है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मैंने जितने भी नेचर T10 का मैच कवर किया है फ्रेंड्स, मैंने सभी में बैक टू बैक फ्रेंड्स मैंने क्लीन स्वीप कराया है। और फ्रेंड्स, आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके इस मैच के लिए कौन से बेस्ट ग्रैंड लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट स्मॉल लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट फैंटेसी टीम हो सकता है जिससे कि आप इसी ग्रैंड लीग में रैंक को ला सको। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए 5 फ्रेंड्स फिक्स प्लेयर्स को पिक करके दिया, जो कि फ्रेंड्स आपको 5 प्लेयर ऐसा है जो कि आपको आज के मैच में 100% ग्रैंड लीग में रैंक वन ला के दे सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल मिस मत करना। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए 5000 रुपये का फ्रेंड्स मैंने रखा गिव है। गाइज, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा, आपको उस सवाल का जवाब देना है। फ्रेंड्स, मैंने सवाल वीडियो के मिडिल में या फिर एंड में कहीं पर ही पूछा है, तो वीडियो को देखो एंड तक, सवाल का जवाब दो। और फ्रेंड्स, मौका है बिल्कुल फ्री में, 5000 जीतने का, इसको मत गवाओ। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिच ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें पिच के बारे में, तो फ्रेंड्स जो पिच है गाइस वो बैलेंस पिच है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पिच पर दोस्तों एवरेज स्कोर रहता है फर्स्ट इनिंग में 98 का है। और फ्रेंड्स इस पिच पर ना पेसर को फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा खासा हेल्प है। और फ्रेंड्स जो वेदर यानी कि मौसम रहना है फ्रेंड्स, वो बारिश वहाँ पर हो सकती है। फ्रेंड्स अगर बारिश होता है तो फ्रेंड्स वहाँ पर और भी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है पेसर्स को फ्रेंड्स अभी तक देखा जाए तो कुल फ्रेंड्स इस ग्राउंड पर 29 विकेट गिरा है, जहाँ पर फ्रेंड्स पेसर्स को मिला है 17 विकेट और फ्रेंड्स स्पिनर्स को मिला है यहाँ पर कितना 12 विकेट। ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पेसर्स को काफ़ी अच्छा खासा हेल्प है, और बारिश होती है तो फ्रेंड्स और भी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अभी तक हेड टू हेड का, तो फ्रेंड्स अभी तक इन दोनों टीम्स के बीच में 5 मैच हुआ है, जहां फ्रेंड्स जीता है IRR ने 1 बार और फ्रेंड्स जीता है TBS ने 4 बार। यानी फ्रेंड्स यहां पर TBS का पलड़ा काफ़ी भारी लग रहा है, और फ्रेंड्स लगता है कि यार इजिली मैच को विन कर जाएगी TBS। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए जरूर। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी तक इनका देखा जाए पिछले 5 मैच के रिकॉर्ड का दोनों टीम्स का, तो फ्रेंड्स पिछले 5 में से फ्रेंड्स 4 मैच यहाँ पर विन करी है IRR ने। और फ्रेंड्स वहीं पर देखा जाए TBS ने पिछले 5 में से 3 मैच विन किया है, 2 मैच लॉस किया है। तो फ्रेंड्स TBS थोड़ा सा डगमगाई है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर इनका हेड टू हेड काफ़ी अच्छा है, तो चांस है कि मैच को विन कर सकती है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएगा जरूर। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पिच रिपोर्ट तो देख लिया। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर से, तो फ्रेंड्स हमारे पास 2 विकेट कीपर है, एस नाइट्रम है और यहाँ पर वाई रेगिस, जो कि भाई एस नाइट्रम ने लास्ट में काफ़ी इसने अच्छा बैटिंग किया था, काफ़ी अच्छा विकेट कीपिंग भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका देखते हैं कितना ये ड्रीम टीम में रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इनका जो दोस्तों एवरेज दोस्तों 0.61 पॉइंट्स दिए हैं पर मैच, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा है और फ्रेंड्स T10 के लिए काफ़ी बेटर है। और फ्रेंड्स अभी तक उन्होंने 8 मैच खेला है फ्रेंड्स, और 8 बार फ्रेंड्स ये ड्रीम टीम में थे, यानी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा बैट्समैन दोस्तों। और इनका देखा था लास्ट मैच में 145 पॉइंट दिए, उससे पहले 42 पॉइंट, उससे पहले 25 पॉइंट, इन फ्रेंड्स सबको ये लगातार अच्छा पॉइंट्स देते गए हैं, और फ्रेंड्स हर एक मैच में ड्रीम टीम में थे। तो फ्रेंड्स इसको टीम में भाई रखना है, ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है वाई रेगिस, इनका देखा जाए तो भाई ये कुछ खास नहीं कर पाए फ्रेंड्स, इनका एवरेज जो 11 पॉइंट्स है हर एक मैच में दोस्तों, और 25% ही ये ड्रीम टीम में थे, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग टीम से ड्रॉप कर देंगे। इसका कुछ खास उतना परफॉर्मेंस वगैरह रहा नहीं है, और फ्रेंड्स अभी तक ड्रीम टीम में सिर्फ 1 बार भी 10 पॉइंट से ही था, तो कुछ खास नहीं, इसको टीम से हम लोग ड्रॉप कर देंगे। ठीक है हाँ, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर कहीं नाइट्रम फ्लॉप हुआ तो, बट भाई नाइट्रम फ्लॉप होने का चांस बहुत ही मुझे कम लग रहा है। और फ्रेंड्स आते हैं बैट्समैन में, तो फ्रेंड्स हमारा ओ होनोर है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी कम लोगों ने लिया, इसको देखते हैं कैसे प्लेयर है। तो भाई यार ये मात्र 9 पॉइंट दिए हैं एवरेज पर मैच में, और फ्रेंड्स मात्र 22% ही ड्रीम टीम में थे ये, तो भाई इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं इसको टीम से इसको हटा दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ई मार्क, इनका देखा जाए तो भाई इनका जो परफॉर्मेंस का जो ए भी दोस्तों काफ़ी ख़राब दोस्तों, मात्र 12% ही फ्रेंड्स ये ड्रीम टीम में थे, और फ्रेंड्स यहाँ पर 25% ड्रीम टीम में थे, यानी कि फ्रेंड्स कुछ खास ये भी नहीं कर रहे हैं, ये दोस्तों लगातार फ्लॉप ही हो रहा है। और फ्रेंड्स इन्होंने एक मैच 36 पॉइंट दिया था, बाकी कुछ खास इन्होंने पॉइंट्स वगैरह दिया नहीं, एक में 30 पॉइंट दिया है, तो इसको हम लोग टीम से ड्रॉप कर देंगे। लेकिन आप लोग एज अ ग्रैंड लीग में ट्रम्प पिक फ्रेंड्स साबित हो सकता है, तो ग्रैंड लीग फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फिक्स प्लेयर गाइस हुआ है ई मार, जो कि आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि फ्रेंड्स मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन लेकर के आया हूं, जिस एप्लीकेशन का नाम है बल्लेबाजी, जिसके तहत अभी आप यहां पर एक ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। फ्रेंड्स अभी यहां पर चल रहा है जून स्पेशल ऑफर, जिसके तहत आप यहाँ पर अगर इस ऐप पर मात्र 10 लेवल कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का फ़ोन, एप्पल का वॉच, एप्पल का ईयरपॉड्स
फ्रेंड्स आपको जीतने का मौका दे रहा है बिल्कुल फ्री में, जो कि फ्रेंड्स आपको किसी अदर ऐप्स में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मात्र 39 रुपीज फ्रेंड्स आपको 2 लाख रुपीज़ का मेगा जीएल कॉन्टेस्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यार देर किस बात की है, जाओ यार जाकर डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा रेफर कोड है SA400, इसको यूज करना मत भूलना। साथ ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फैंटेसी के अलावा आप यहाँ पर छोटा मोटा बेटिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फ्रेंड्स आपको सिंपल सा आसान सा सवाल का जवाब दे करके फ्रेंड्स आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। जैसे फ्रेंड्स अब एक सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया विल विन द WTC फाइनल अगेंस्ट इंडिया, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच को विन कर जाएगी? आपको लगता है हाँ तो यस कीजिए, आपको लगता है नो तो नो कीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर काफ़ी आसान सवाल का जवाब दे करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, यानी कि डबल फायदा है। एक तो कमाओ फैंटेसी से पैसा कमाओ, एक प्राइज विन करो, उसके बाद बेटिंग से ही पैसा कमाओ, यानी कि फ्रेंड्स तीनों फायदा आपको सिंगल ऐप में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जाओ भाई डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डी मालोनी, इनका देखा जाए तो भाई इनको एवरेज कितना 24 पॉइंट्स मिल रहा है पर मैच में, और फ्रेंड्स 50% ड्रीम टीम में थे। तो फ्रेंड्स इसको ले भी सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, डाउटफुल है। देखो इनका देखते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस, लास्ट मैच हुआ था फ्लॉप 12 पॉइंट, उससे पहले 26 पॉइंट, उससे पहले 72 पॉइंट, यानी फ्रेंड्स पिछले 3 मैच में 2 मैच अच्छा किया है, लास्ट मैच फ्लॉप हुआ है, उससे पहले फ्लॉप, यानी फ्रेंड्स कभी चले कभी नहीं चले, डाउटफुल ही है। तो इसको भी लेना नरेंद्र आपके ऊपर है, तो बट चलो यार मुझे इसको ले लेते हैं टीम में, और स्मॉल लीग के लिए बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एल मालगोरी, इनका फ्रेंड्स देखा जाए तो भाई ये कितना एवरेज इनको 13 पॉइंट मिला हर एक मैच में, और फ्रेंड्स इसको मात्र 20% ही ड्रीम टीम में लोगों ने रखा है, तो कुछ खास ये भी नहीं है। फ्रेंड्स इनका देखा जाए पिछले मैच में 20 पॉइंट मिला, तो उससे पहले 2 पॉइंट कुछ खास इसको पॉइंट्स पर मिला नहीं, लगातार ये फ्लॉप ही जा रहे हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग एक मैच में चला था 41 पॉइंट, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में भी, चाहे ग्रैंड लीग में भी ट्रंपिक आपको ये भी साबित हो सकता है मालगोरी, जो कि मैं मात्र 14% लोगों ने इसको ले रखा है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन स्मॉल लीग के लिए तो मैं सेफ नहीं, मैं उसको टीम हटा दूंगा, ग्रैंड लीग में ट्राई आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जे जेरवर, इनका फ्रेंड्स देखा जाए तो भाई ये भी दोस्तों कुछ खास ये भी उतने किया नहीं है, ये भाई इसने 28 पॉइंट्स पर मैच में दिया है, 62% ड्रीम टीम में है थे, और लास्ट मैच 14 पॉइंट दिया था, उससे पहले 18 पॉइंट, उससे पहले यहाँ पर 65 पॉइंट, यानी कि कभी चले हैं कभी नहीं चले हैं, एवरेज ही रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो जेबर को फिलहाल मैं ड्रॉप करता हूँ, आगे देखता हूँ क्या करता हूँ, फिलहाल इसको मैं ड्रॉप करके चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मार्सिलियन का देखा जाए तो मार्सिलियन ने भाई कितना 14 पॉइंट भाई दिए एवरेज हर एक मैच में, और 42% ड्रीम टीम में थे, और फ्रेंड्स इसको काफ़ी कम लोगों ने सेलेक्ट यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिए लास्ट मैच 35 पॉइंट दिया, उससे पहले 29 पॉइंट दिया था, उसके पहले यहाँ पर 4 कुछ खास पॉइंट दिया नहीं, तो लेना हो तो ले सकते हो, ट्रम्प पिक साबित हो सकता है, वरना कुछ खास नहीं है। फ्रेंड मैं यार एक ही बैट्समैन लेकर चलूँगा फिलहाल, मालूम नहीं कि भाई कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है, बाकी मैं एक ही बैट्समैन यहाँ पर लेकर चलूँगा, ठीक है। और एम गारगोरी है जो कि भाई क्या भाई 0.6% है, एवरेज 4 पॉइंट दिया तो कुछ खास है नहीं, इसको टीम से हटा देंगे, तो मैं एक ही बैट्समैन लेकर चलूँगा, ठीक है। आते ही फ्रेंड्स ऑलराउंडर्स में तो आर जोन जो कि भाई यार क्या प्लेयर भाई, लगातार आपको रन करके दे रहा है, हर एक मैच में आपको विकेट निकाल के दे रहा है दोस्तों, 100% भाई ड्रीम टीम में, यानी कि जितना बार मैच खेला भाई हर एक में ड्रीम टीम में था, तो भाई इसको टीम में तो लेना बनता है, फिर इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स 60 पॉइंट हर एक मैच में दिए हैं, और लास्ट में जो कितना 29 दिया था, उससे पहले 45, यानी कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा किया परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स इसको टीम में हम लोग रखेंगे, टीम में ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है, तो मेरे टीम में यहाँ पर जोन रहेगा। नेक्स्ट हमारा टी टर्विनर, इनका भाई देखा जाए तो भाई ये कितना भी दोस्तों 54 पॉइंट्स दिए एवरेज पर मैच में, और ये कि भी 66% ड्रीम टीम ये भी थे, तो ठीक ठाक ये परफॉर्मेंस कर रहा है, इनका भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है। इनका लास्ट 2 मैच फ्लॉप हुआ है, 4 पॉइंट 22 पॉइंट, लेकिन भाई प्लेयर अच्छा है, एक पे 137 पॉइंट दिया और 36 पॉइंट दिया था, तो ठीक है आप लोग इसको टीम में रखो, मैं इसको टीम में लेके चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर विलियम, भाई इसने लास्ट मैच पूरा हिला तालका मचा कर रख दिया था, पूरा तरफ मैच को विन करा दिया, ये भाई कितना एवरेज है 88 पॉइंट दे रहा है भाई, जो कि अभी तक सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसी का है, जो कि हमेशा पॉइंट्स आपको दे रहा है 80 प्लस, और 90% ड्रीम टीम में थे। तो भाई लास्ट मैच में 133 पॉइंट, उससे पहले 113 पॉइंट दिया था, उसके पहले यहाँ पर 15 पॉइंट, सिर्फ एक मैच दोस्तों फ्लॉप होने, तो लगातार फ्रेंड्स ये रन करके आपको हर एक मैच में और की दिया अच्छा पॉइंट्स आपको यहाँ पर ये दिया है, तो इसको टीम में रखना है, इसको ड्रॉप दोस्तों नहीं करना है, के हो तो अवेलेबल नहीं, इसको हटाते हैं। बी जोसेफ, इनका देखते हैं भाई तो इनका देखो ये कितना किया क्या किए हैं, 47 पॉइंट दे दो कि भाई ठीक ठाक है, और 60% ड्रीम टीम में थे, लेकिन हमें थोड़ा भाई रिस्क भी लेना है, थोड़ा ट्रम्प पिक को भी ट्राई करना है, पिछले 2 मैच फ्लॉप हुए, आज ही फ्लॉप हो सकता है, तो हम लोग इसको थोड़ा समय दोस्तों रिस्क लूँगा, मैं इसको टीम से हटा दूंगा। और फ्रेंड्स मेरे पास है के कैबली, इनका देखते हैं तो के कैबली फ्रेंड्स इनका 26 पॉइंट दिया है, जो कि ठीक ठाक है मैं कहूँगा, और 55% ड्रीम टीम में थे,
इनका फ्रेंड लास्ट मैच फ्लॉप हुए थे, 2 पॉइंट -2 -2 उसके बाद 29 पॉइंट 2 40 पॉइंट फ्रेंड्स एक बार दो बार 40-40 पॉइंट दिए हैं। तो ट्रम्पिक आपको साबित हो सकता है, तो मैं इसको टीम में रख लूँगा, ट्रम्पिक एज अ मैं इसको टीम में रख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा के जेम्स, इनका देखते हैं तो भाई कितना ए भी कितना 26 पॉइंट दिए हैं एवरेज, और 60% ड्रीम टीम में ये भी थे तो ठीक ठाक है। लास्ट में 16 पॉइंट उससे पहले 68 पॉइंट दिए हैं, 34 पॉइंट दिए हैं, 36, यानी कि भी भाई लगातार पॉइंट्स आपको दे रहा है जेम्स, तो जेम्स को मैं टीम में रख लेता हूँ। ठीक है, आते फ्रेंड्स बॉलर्स में, तो हमारा वाइल भी लेविस, इनका देखा जाए भाई तो ये पर मैच में कितना 44 पॉइंट देने की लगभग एक विकेट और कैच वगैरह भी ले रहे हैं, तो ठीक है इनका परफॉर्मेंस। और लास्ट में 49 जैसे पहले 43, यानी कि पॉइंट्स आपको ठीक ठाक दे रहे हैं, तो आपको टीम में ये तो रखेंगे। नेक्स्ट हमारा लामोती, इनका भाई देखा जाए लामोती का कितना 44 पॉइंट्स भी दिए, भी अच्छा कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, 70% ड्रीम टीम ये भी थे तो, और 66 पॉइंट दिए, 43 पॉइंट दिए हैं, 33 पॉइंट दिए हैं, काफ़ी अभी अच्छा खासा किए हैं। ठीक है, और एक मैच 119 पॉइंट दिए, तो भाई इसको भी टीम में हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लौसी है, लौसी का देखा जाए तो कितना इनका 28 पॉइंट दिए, जो कि यहाँ पर ठीक ठाक है, उतना खास नहीं है, और लास्ट में 33 पॉइंट दिए थे भाई। दो मैच तो ठीक ठाक यहाँ पर जा रहा है इनका, तीन मैच जा रहा है, लेकिन फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो मैं इसको टीम में रिस्क लेकर मैं इसको ड्रॉप करूँगा। नेक्स्ट हमारा डी डुपिंगी, डुपिंगी का देखा जाए तो भाई कितना ये एवरेज आपको 35 पॉइंट दे रहा है, उससे बेटर भाई आपको ये पॉइंट दे रहा है, लेकिन सिलेक्शन काफ़ी इसको कम लोगों ने किया है, 29 पॉइंट दिए हैं, 64 पॉइंट दिए हैं एक बार फाइन डाइस ने, तो भाई अच्छा प्लेयर है, तो बट काफ़ी कम लोग इसको सिलेक्ट नहीं किया भाई, जैसे 133 पॉइंट दिए इसने रखा कभी, तो हम लोग इस टीम में रख लेंगे, डुफली को मैं रखूँगा। उसके बाद में ए जोली है, डी अलेक्जेंडर, के जेम्स, तीन में से किसी हमको एक को लेना है। तो देखो ए जोली को देखते हैं हम लोग, ए जोली जो कि पर मैच 17 पॉइंट दिए, जो कि भाई बहुत ही कम है, ना खास नहीं, तो मैं हटा दूंगा टीम को। अलेक्जेंडर का देखते हैं तो भाई ये पर मैच कितना 19 पॉइंट दिए, तो भी कुछ खास ये भी नहीं दिए हैं भाई, तो और के जेम्स, जेम्स का देखा जाए तो 11 पॉइंट दिए, भी कुछ खास, तीनों में से कोई खास है ही नहीं, तो भाई एक तो भाई ट्रम्पिक तो मुझे चाहिए, तो बॉलर तो कुछ खास नहीं, बैट्समैन किसी को ले लेते, एक ठो बैट्समैन, चलो मैं यहाँ पर ई मार्क को ले लेता हूँ मैं एज अ अच्छा बैट्समैन, ठीक है, एज अ ट्रम्पिक में, ठीक है। चलो अब फ्रेंड्स ये मेरा टीम बनकर रेडी है, फ्रेंड्स हमारे पास में एक विकेट कीपर है, दो बैट्समैन, 5 ऑलराउंडर्स, और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 3 बॉलर, ठीक है, हमारा टीम है। अब फ्रेंड्स कैप्टेंसी की बात करें, देखिए तो भाई आर विलियम्स को 62% बनाया कैप्टन, और फ्रेंड्स बनाया वाइस कैप्टन कितना 35% जॉन को, 10% टैबियर को, और 20% नैथराम को, कैप्टन 20% 12% बनाया इसको, यानी कि फ्रेंड्स आपको स्मॉलर के लिए सेफ तो भाई यही है भाई, आपको हर एक महीने पॉइंट्स दे रहा है, और T10 में उतना रिस्क हम लेते भी नहीं, तो ठीक है इसको बनाने कैप्टन। वाइस कैप्टन के लिए फ्रेंड्स ये भी आपके बेटर ऑप्शन है, आपको ये भी बेटर ऑप्शन है, ये भी तीन बेटर ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों मैं लूँगा थोड़ा सा रिस्क, मैं लूँगा नैथराम के साथ में जाऊँगा वाइस कैप्टन, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स फिलहाल ये मेरा टीम है गाइज, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पर, तो जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और फ्रेंड्स मेरा आज का जो सवाल है गिव अवे का ना गाइज, मैंने पूछना भूल गया फ्रेंड्स, आज का सवाल है कि फ्रेंड्स आज के मैच में आर विलियम्स आपको फ्रेंड्स कितना रन कर देगा, कितने विकेट्स लेकर देगा, आप लोग कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स 5,000 रुपये विन करके चले जाइए, ठीक है।